भाई तेरा नाम क्या है? उमेश कुमार मंडल। और आपकी धर्म पत्नी का कैसे हुआ है? जो राजीव निशान क्लब से जो मैच गेम चल रहा था उसमें कबड्डी खेल चुके थे, जो गिर के चोट ले रहे थे, उसके और जब कुंडा गांव जिला अस्पताल में लेके आए थे आपकी पत्नी को कबड्डी खेलते हुए, जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के अंतर्गत कबड्डी खेलते हुए जब घायल थी उसको लेके आए थे तो जिला अस्पताल लाए थे, आप बताए उसको जिला अस्पताल से रायपुर रिफर किए तो यहाँ तक आने के लिए 108 मतलब थी क्या दिक्कत था? ज़्यादा देर ज़्यादा दूर तक पहुँचती नहीं जाती तो स्पीड जाने में दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी भी इमरजेंसी केस है तो वो गाड़ी नहीं मिल पाया फिर जो दूसरा गाड़ी की है उसमें आप पैसा मांगे सुना होगा जी सर? जो स्टाफ का गाड़ी होती है ना उसमें आपको डीजल डाल के जाना पड़ेगा। तो डीजल का पैसा आपसे लिए? जी सर। मैं कितना पैसा लिए? 6000 पैसा। जी सर। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हम यहाँ पे यहाँ से बताना चाहते हैं, हम अभी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में, जो रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे इस बहन का नाम क्या है? शांति मंडावी। शांति मंडावी है, 30 वर्षीय शांति मंडावी है, कुंडा गांव की। युवा मितान क्लब के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन जो भूपेश बघेल जी पूरे राज्य में करा रहे हैं उसके तहत वो घायल होकर के उनका डेथ हो गया है, उनको वहाँ से कुंडा गांव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रायपुर रिफर किया गया, तो यहाँ तक लाने के लिए 108 भी उपलब्ध नहीं था, और 108 की अनुपलब्धता के साथ साथ जो गाड़ी की व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा उसमें उनके पति से 6000 रुपये डीजल का ये लोग लिए। तो इस तरह से इस खेल के कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। रायगढ़ जिले में अभी घटना घटित हुई थी भालूमार गाँव में, जिसमें जिस भाई का डेथ हुआ था, ठंडाराम मालाकार भाई का एक डेथ हुआ कबड्डी खेलते हुए, जब वो घायल हुआ तो उसको रायगढ़ जब रिफर किया गया तो घर जिस सड़क से 50 किलोमीटर ले जाने के लिए 4.5 घंटे का समय लग गया था, ऐसे सड़क से उनको जाना पड़ा था। और आज कुंडा गांव के मामले में हम देख रहे हैं कि इनको जब आना पड़ा है तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसको यहाँ तक आने के लिए ये बता रहे हैं कि 6000 रुपये डीजल का इनके जेब से लिया गया है। इस तरह की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पिछले बार रायगढ़ की घटना के समय भी मैं मांग किया था, अभी भी हम सब लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना होने दे। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए खेल करा रहे खेल करा लें, लेकिन कुछ चीजों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखे बिना अगर खेल कराते हैं तो ऐसी राजनीति हम विपक्ष में नहीं होने देंगे। उनसे हम मांग करते हैं, पहली मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए का मुआवजा शांति मंडावी बहन के लिए प्रदान किया जाए। जब आप उत्तर प्रदेश में जाकर 50 लाख रुपए का मुआवजा दे सकते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों का जिसका खेल का आयोजन करा रहे हैं उसमें जो मृत्यु हो रही है उसमें आप क्यों नहीं दे सकते? दूसरा हम मांग करते हैं कि ये जैसे उनके हस्बैंड यहाँ पर हैं, ये बेरोजगार हैं, इनको तत्काल एक सरकारी नौकरी प्रदान करें, हमारी दूसरी मांग है। तीसरी हम मांग करते हैं कि जितने भी खेल आयोजन में भाग ले रहे युवा हैं उनका आप 50 लाख रुपए मृत्यु की स्थिति में 25 लाख रुपया एक्सीडेंट होकर जब अपंगता होती है उस स्थिति में मुआवजा कराएं और इस तरह से ये मुआवजा सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो गलत तरीके से करा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, यह भी हम मांग करते हैं। और रायगढ़ 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 4.5 घंटे का समय लग गया, ऐसी सड़क है इसी तरह से कोंडा गांव से लाना पड़ा तो डीजल के लिए 6000 रुपए उसके हस्बैंड से लिया गया है। इस तरह की जो स्थितियां हैं अत्यंत दुखद हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इनके लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की और एक सरकारी नौकरी की भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सब मांग करते हैं। हाँ, और सर इतनी बड़ी खेल की और जो आयोजन किए तो उसमें एक मेडिकल किट भी उपलब्ध नहीं है और अत्यंत
अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है कि जहाँ खेल हो रहा है ये खुद बता रहे हैं। जी जी सर, खेल कराना गलत बात नहीं है, मैं खुद यूनिवर्सिटी गेम का खिलाड़ी हूँ, स्टेट कबड्डी वॉलीबॉल दोनों में गया, यूनिवर्सिटी गेम दोनों में गया, खुद मतलब खेल में प्रोत्साहन ही ज़्यादा है। जी लेकिन मेडिकल किट भी वहाँ पर नहीं था जिनका ये कहना है। दूसरा हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं खेलते खेलते दुर्घटना और जो किसी की अपंगता हो जाए तो 25 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। और जैसे ऐसी घटना हो गई है तो उत्तर प्रदेश में 50 लाख का मुआवजा दिए थे मुख्यमंत्री जी, लखीमपुर में वहाँ के किसान की मृत्यु हुई थी, तो आपके हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बेटी की मृत्यु हुई, आपकी पत्नी की मृत्यु, उनके लिए 50 लाख रुपये मुआवजा की मांग कर रहे हैं और आपके लिए एक सरकारी नौकरी की मांग। सर एक साल का बच्चा है सर, उसको कैसे पालना होगी, दिक्कत की बात है, अब इतने जल्दी उसको छोड़ के चली गई, इतना दुखद स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, सबसे विनम्रपूर्ण बात है, इस पर तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एक्शन लेना चाहिए कि 6000 रुपए डीजल के लिए इनसे पैसा लिया गया है, जो सबसे आपत्तिजनक बात है कि आप खेल आयोजन करा रहे हैं, आप राजीव मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन करा रहे हैं, कबड्डी कराते हुए अगर कोई घायल हो रहा है और उसको रायपुर रिफर किया जा रहा है तो 108 ठीक नहीं है, उसकी लाइट नहीं जल रही है, और दूसरी ओर इनको इनसे डीजल का 6000 रुपए पैसा लिया गया है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। सरकार की इस तरह की राजनीति बहुत ही, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सड़क की लड़ाई हम इन सब विषयों के लिए लड़ेंगे। और आप ऐसी स्थिति में प्रदेश को चलाना चाहते हैं जिसे छत्तीसगढ़ की जनता भी कभी स्वीकार नहीं करेगी।